यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, 2 इंटू 20C0 प्लस 5 टाइम 20C1 प्लस 8 टाइम 20C2 अप टू 62 टाइम 20C20। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए बाइनोमियल थ्योरम के, प्रॉपर्टीज या बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बट यहां पर 20 होने से हम ऑप्शन की कल ले पाएंगे। तो अगर ध्यान दें तो ये 258 ये एपी बन रहा है, इसका मतलब 258 अगर मैं इसका आपसे जनरल टर्म निकालने के लिए बोलूं, यहां जीरो से काउंटिंग है, तो जीरो से अगर काउंटिंग है तो हम इस पर लिख सकते हैं 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू या इंटू डी, राइट, तो 3n माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए ऐसा हो जाएगा 3n प्लस 1 3n माइनस 1, या r के टर्म में लेंगे तो 3r माइनस 1। अब आपको पर यहां पे काउंटिंग जीरो से करना है, अगर मैं r इक्वल टू 0 टू 20 लूं, राइट, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 3r प्लस ऑफ 2, क्योंकि एक टर्म बाद से ले रहे हैं, इन टू 20cr। पहले देख लीजिए बैलेंस होता है कि नहीं, r के प्लेस पे जीरो रखा, ये याद रखिए एक टर्म आगे बढ़ाना है, तो 3 का गैप है तो 3 इसमें ऐड कर दो तो 3r प्लस 2 आ जाएगा। तो r की जगह जीरो रखा तो 2 20c0, फिर 1 रखो 5, फिर 3 रखो वो सॉरी फिर 2 रखो तो 6 प्लस 2 8, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सेपरेटली ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे, तो 3 टाइम्स ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू 20 r इनटू 20cr प्लस समेशन ऑफ 2 टाइम बाहर आ गया r इक्वल टू 0 टू 20nc20cr। अब ये तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है, अगर मैं यहां पे वैल्यू रख दूं तो 20c0 से 20c20 तक का समेशन यानी 2 पावर 20 और एक 2 पहले से, यानी एक पार्ट तो हमारा निकल गया 2 की पावर 21। अब केवल इस पार्ट को करना है हमको सॉल्व, 3 इंटू समेशन, ये भी देखो मैंने आपको जो तरीका बताया था वो बताता हूँ, r इंटू 20cr प्लस 2 पावर 21 निकल चुका। अब लॉजिकली देखिए, जब भी r इंटू हो तो याद करिए 1 प्लस x की पावर n को हमने क्या कर रहा था, c0 c1x प्लस c2x स्क्वायर अप टू cnx पावर n। अब यहां पर जब आप जीरो रखेंगे तो पहला टर्म जीरो होगा यानी 1 से स्टार्ट होगा, तो इसमें हमेशा हम डिफरेंशिएट करते हैं यानी n इंटू 1 प्लस x की पावर, अगर n माइनस 1 हो जाएगा ये मिलेगा c1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c2x प्लस ऐसा मिलेगा, राइट। अब अगर मैं यहां 20 रख दूं तो 20 इंटू 1 प्लस x की जगह 1 रखो तो 20 की पावर 19 ये यस 20 इंटू 20 की पावर 19, और यहां पर क्या मिलेगा देखिए, एक्स की जगह जब बन रखेंगे तो c1 प्लस 2c2 यानी जो आपको टर्म बोले गए वो डायरेक्ट, यानी ये मिल गया एक तरह से 3 इंटू 20 की पावर 20 प्लस 2 पावर 3 इंटू ये 20 है याद रखिएगा, तो आपको सॉरी ये 2 की पावर 19 सॉरी, तो ये आपको मिल गया 3 इंटू 20 इंटू 2 पावर 19 प्लस 2 पावर 21। अब चाहें तो आप इसमें से 4 ले सकते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 4, अगर बाहर ले लेंगे तो 5 15 इंटू 2 पावर 21 प्लस 2 पावर 21 2 पावर 21 कॉमन तो 15 प्लस 1 16, देखिए कोई ऑप्शन है यस 16 इंटू 2 पावर 21 राइट 16 इंटू 2 पावर 21 दिस इज द राइट वे। ये याद रखिएगा, ये एक हमने कंसेप्ट भी बनाया हुआ था कि जब भी इसके साथ आए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बाइनोमियल थ्योरम की क्विक रिवीजन में भी करा था क्वेश्चन, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n c1 2 टाइम्स ऑफ c2 3 टाइम्स ऑफ, तो जब आप यहां पर जीरो रखेंगे तो पहला टर्म जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, फिर 1 से होगा, फिर 2 में 2 आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस 3 टाइम्स ऑफ दिस 4 टाइम्स ऑफ दिस, राइट, नोट कर लीजिए। यहां x की जगह जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करा, x के प्लेस पर 1 और n के प्लेस पर 20 दिया, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, अभी भी क्लियर नहीं है तो एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स ऑफ दिस 5 टाइम्स ऑफ दिस 8 टाइम 2 5 8 11 ये एपी है और ये एक टर्म हो गया, तो हमने इसको चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसका मैंने जनरल टर्म निकाला तो 3r माइनस 1 है पर काउंटिंग जीरो से हो रही है, तो एक टर्म बाद से हो रही है तो मैंने प्लस 3 कर दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है, तो जनरल टर्म क्या हो गया 3r प्लस 2, पुट r इक्वल टू 0 देन 2 r इक्वल टू 1 5 राइट इंटू 20cr। अब क्योंकि सिग्मा नोटेशन है r के लिए अप्लीकेबल है तो इसके साथ अलग लिख दिया, इसके साथ अलग लिख दिया, वो सीधा सीधा 2 20c0 20c1 20c2 अप टू 20c2 तो 20c 2 पावर 20
और ये 2 एक पहले से था, 2^21 वो आ गया। अब इस वाले पोर्शन को अलग से मैंने आपको सॉल्व करके फिर समझाया, फिर समझो आप इस वाले पोर्शन को। एक्चुअल में ये ऐसा है, एक तरह से 3 तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है। क्या है, समीशन आर इक्वल टू 0 to 20 आर इंटू 20 सी आर। अब मैं आपसे बोलूं आर की जगह 0 रख दो तो 0, फिर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 20 सी 1, 2 रखोगे तो 2 इंटू 20 सी 2, 3 रखोगे तो 3 इंटू 20 सी 3 अप टू 20 टी। यस और नो, जब भी 1, 2, 3 मल्टीप्लाई में आए तो हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा, डायरेक्ट याद रखने वाली चीज थी, 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन क्या होता है, सी नॉट सी वन एक्स एन सी वन एन सी टू होता है, प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो सीधा ये कोफिशियंट जो है मल्टीप्लाई में मिलने लगते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया तो एन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1, ये 0 हो गया। यहाँ पर 1 इंटू सी वन एन सी वन मतलब, फिर बोलो 2x इंटू एन सी टू प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू एन सी थ्री ऐसा मिलेगा। पुट एन इक्वल टू 20 क्योंकि 20 के लिए कर रहे हैं, एंड x इक्वल टू 1 समेशन जब भी निकालना होता है, देन 20 इंटू 2 पावर 19 इक्वल टू 20 सी वन, यस 2 इंटू 20 सी 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज 2 पावर 20 है ना ये, और 3 आगे और है, 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 2 पावर 19, दिस इज 2 पावर 21 इंटू 5, और 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 पावर 21 प्लस 2 पावर 21, देयरफॉर 2 पावर 21 इंटू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। लेट एस वन इज अ सेट ऑफ मिनिमा एंड एस टू इज अ सेट ऑफ मैक्सिमा फॉर द कर्व, मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंगल स्टेप में हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स किया, देन 36 एक्स क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36 एक्स, राइट। इसका मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि फॉर मैक्स मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी 0। आप इसमें से क्या कर सकते हैं, 36 एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यह मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको 3 पॉइंट्स मिल गया, क्या क्या, एक माइनस 2, एक 1, सॉरी माइनस 2 के बाद 0 और 1, ऑर्डर में अरेंज कर लें जो हमने तरीका सीखा था। अच्छा, अब आप इसको अगर अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 ये बचेगा और ये वाला पोर्शन हमारा मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, ये सॉरी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एक्स की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये मिनिमा मिलेगा, तो सॉरी निगेटिव मिलेगा, यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो ऑब्वियसली मिनिमा होंगे। इसका मतलब एस वन जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा का सेट है, तो माइनस 2 1, और एस टू मैक्सिमा का सेट है यानी 0 ओनली, ये करेक्ट आंसर होगा। एक बार समझ लीजिए मैंने क्या बोला, जब मैं इसको सेकंड डिफरेंशिएशन करूंगा, करा नहीं मैंने, तो आप लिखोगे 36 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 72। अब एक्स के प्लेस पे जब 0 रखा तो नेगेटिव, लेस देन 0 इज मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लेफ्ट और राइट उसके पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे। तो आपको केवल एस वन और एस टू का सेट पूछा था, तो ये जो ऑप्शन जिसमें दिया वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, प्लेन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल बेस क्वेश्चन है। अब इफ अ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 110 देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऑल्सो पासेस थ्रू है 110 बोला है। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया जेई में ऑप्शन बहुत हेल्प नहीं करते, अगर मैं 110 रखूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब ये रिजेक्ट है, पर अगर इस पर रख दूं तो ये हो रहा है सेटिस्फाई, इसमें रख दूं x की जगह 1 ये भी हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बहुत हेल्प नहीं करेंगे। वैसे भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आपने पढ़ा है दूसरी इक्वेशन, राइट। अब आपको केवल इसमें इतना करना है कि 110 से पास हो रहा है, तो लीजिए 110 तो 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 y की जगह 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया एक तरह से 3 लैम्डा माइनस बचेगा इक्वल टू, ये बचेगा माइनस 5, तो माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 करना है बस इसमें आपको, तो 2x माइनस y माइनस 4 माइनस y माइनस 2z प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। देखिए 4 से 4 कैंसिल, क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं, एक मिला 2x माइनस 2y
माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो या एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, यानी दिस वन इज द राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू माइनस वन फोर फ्रॉम द लाइन. ओके, एक लाइन दी है इस लाइन पर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है. पर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा, बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रेंज पूछी. अब ये रेंज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल, अगर मैं इस लाइन के कोई पॉइंट मानूं, दिस इक्वल टू लैम्डा ले लीजिए, तो एक तरह से इसके पॉइंट हो गए टेन लैम्डा माइनस थ्री माइनस सेवन लैम्डा प्लस टू ऑल लैम्डा. अच्छा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, थ्री डी का बेसिक क्वेश्चन है, वो है टेन माइनस सेवन वन. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, टेन लैम्डा माइनस फाइव दिस इंटू दिस कॉमा माइनस सेवन लैम्डा प्लस थ्री, प्लस थ्री क्योंकि माइनस करेंगे, लैम्डा माइनस फोर. ये दोनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. तो टेन इंटू डायरेक्ट करिएगा हंड्रेड लैम्डा माइनस फिफ्टी माइनस फोर्टी नाइन लैम्डा, माइनस सेवन का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बल्कि प्लस फोर्टी नाइन लैम्डा प्लस प्लस नहीं माइनस ट्वेंटी वन, और फिर करेंगे वन के साथ प्लस लैम्डा माइनस फोर इक्वल टू जीरो. अब देखिए ये हो गया 150 लैम्डा इक्वल टू, अब जरा यहां देखिए कितना आ गया, ये 25 है, ये इक्वल टू 75, यानी लैम्डा का वैल्यू 1/2 आया. अब ये लैम्डा का वैल्यू 1/2 अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे पॉइंट मिल जाएंगे 1/2 यानी 5 माइनस 3 2 माइनस 7/2 प्लस 2 4 माइनस 7 माइनस 3/2 और ये आ गया 1/2. अब इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है उससे हमें पता चल जाएगा कि किस रेंज में लाया करेगा. ये तो जीरो हो जाएगा, सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना माइनस थ्री बाय टू प्लस वन मिलेगा 1/2 यानी 1/4, फोर माइनस 1/2 मीन्स 7/2 यानी 49/4, एक तरह से मिल गया रूट 50/2 यानी आपको 5√2/2 मिला, 5√2/2 मिला यानी 5/√2 मिला, लगभग ऐसा मान सकते हैं हम, क्योंकि आपको एक्चुअल में ये मिला था √50/2 √50/4 ऐसा मिला था, राइट? यानी अंदर ही अंदर बोल सकते थे आप 25/2 यानी 5/√2. 25/2 मतलब हुआ 12 पॉइंट समथिंग, और 12 पॉइंट समथिंग का मतलब हुआ 9 और 16 के बीच में, यानी 3 से 4 के बीच में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, 3 से 4 के बीच में. सीधा लॉजिक है, 12.5 है, रूट 9 3 होता है, रूट 16 4 होता है, और ये 12.5 है यानी इसके बीच में मिलेगा. तो करेक्ट आंसर इज 3 से 4. थोड़े से क्वेश्चंस बात के थोड़े से कैलकुलेशन वाइज ज्यादा थे, पर कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, सब कुछ फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और वही चीज पढ़िए, मिसगाइड मत होइए, राइट? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 5y इक्वल टू 15 एंड अ पॉइंट P ऑन दिस लाइन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस इन विच कोऑर्डिनेट द पॉइंट P लाय. ओके, एक लाइन दी है, अगर हम देखें तो ये लाइन कुछ इस तरह की है, जिसका x इंटरसेप्ट होगा 5 0, y होगा 0 3, मतलब इस तरह की एक लाइन है जो ऐसे जा रही होगी. अब इस लाइन के लिए कुछ बोला गया है कि लेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड अ पॉइंट P ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कहीं पॉइंट P है, कहीं पे भी हो सकता है, इस लाइन पे कहीं पॉइंट P है, P ऑन दिस लाइन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस. x और y एक्सिस से इक्विडिस्टेंस का हमेशा मतलब याद रखिएगा, एक तरह से y इक्वल टू x की जो लाइन होती है या y इक्वल टू जो माइनस x की लाइन होती है, यही दो पॉसिबिलिटी है. इक्विडिस्टेंस बोला या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट P या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट आंसर नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अ राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन.